ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى والذين امنوا اشد حبا لله आज के इस दरस में इन शाला वक्त में कुछ बातें आपके सामने जो रखनी हैं वो ये है कि अल्लाह ताला बंदे से जब मोहब्बत करता है तो उसकी क्या इलामात हैं देखिए मोहब्बत के कई मर्तबे होते हैं एक इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो या तो उसके एहसान की वजह से मोहब्बत करता है उसने कोई एहसान आपके साथ कर दिया तो ऐटोमेटिक दिल में महब्बत हो जाती है कि उसने आपका बहुत बड़ा कोई फ़ायदा पहुँचा दिया एहसान कर दिया तो एहसान की वजह से भी इंसान मोहब्बत करता है मोहब्बत की एक वजह यह भी होती है कि इंसान किसी से मोहब्बत करता है उसकी खूबियों की वजह से किसी इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ हैं कुछ सिफ़ात हैं अच्छाइयाँ हैं तो गरचे उसने एहसान या कुछ हमारे साथ फ़ायदा नहीं किया है लेकिन मोहब्बत दिल में होती है उसकी खूबियों की वजह से और ऐसे ही मोहब्बत के मरतबे में से ये है कि एक आदमी अपनी बीवी से मोहब्बत करता है औलाद से मोहब्बत करता है वालदेन से मोहब्बत करता है ये सब मोहब्बत के मरतबे हैं कि एक इंसान दूसरे से मोहब्बत करता है लेकिन एक इंसान के दिल में सबसे बड़ी जो मोहब्बत होनी चाहिए वो सारी मोहब्बतों से बढ़ के उसके दिल में मोहब्बत अल्लाह से हो ये सबसे ऊंचा मर्तबा है बीवी बच्चे घर तिजारत दोस्त अहबाब खानदान सारी मोहब्बतों से ज़्यादा एक आदमी के दिल में मोहब्बत अल्लाह की हो इसकी पहचान क्या है कि एक आदमी ...के दिल में सबसे ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत है हर इंसान का इम्तहान दुनिया में होता रहता है मोहब्बत के ताल्लुक़ से अल्लाह उसको चेक करता रहता है कि ये झूठा है या सच्चा है दावा तो हर इंसान करता है मुझको बहुत अल्लाह से मोहब्बत है लेकिन सच्चा है या झूठा है ये अल्लाह हर इंसान को चेक करता रहता है इसकी पहचान ये है कहा कि अल्लाह से मोहब्बत सबसे ज्यादा है इसकी अलामत और पहचान ये है कि वो अल्लाह के खातिर सब को छोड़ सकता हो सब छोड़ सकता हो अल्लाह के खातिर वो सब छोड़ सकता हो वो बीवी बच्चे तिजारत, घर बार अल्लाह की जहां बात आए वो सब कुर्बान कर सकता हो के लिए सब कुछ खोने को तैयार है या नहीं अगर एक आदमी के दिल में यह है और वाकई मानों में है कि जहां वो अल्लाह की बात आ जाए वो हर एक की बात को रद्द कर देता है समाज हो बड़े हो, फला कुछ नहीं अल्लाह की बात आ जाए अल्लाह के खातिर सब खो सकता है वो, नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार है चाहे समाज नाराज़ हो जाए चलेगा ख़ानदान बाईकाट करे चलेगा अल्लाह के खातिर वो सबको कुर्बान करने को तैयार है कि नहीं ये एक इंसान के लिए पहचान होती है कि वो वाकई सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो ये तो इंसान के अतबार से कि एक इंसान के दिल में जो मोहब्बतें हैं उन सारी मोहब्बतों में अलग अलग मर्तबे होते हैं और सबसे टॉप लेवल का जो दर्जा है कि दिल में अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो जिसको अल्लाह ने जिक्र किया है कुरान में कि वह लदीन अमनु अशद कि जो ईमान वाला होता है मोमिन जो होता है उसके दिल में सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से होती है वह अल्लाह से ज्यादा बीवी से मुहब्बत नहीं करता है बच्चे हैं तिजारत है घर है सब कुछ अल्लाह की मोहब्बत पर उनकी मोहब्बतें गालिब नहीं आती कभी नहीं हो सकता है। ये ईमान मोमिन बंदे के अंदर होता है। इन सारी मोहब्बतों में एक बड़ी मोहब्बत ये है जितना मोहब्बतें मैंने बताया सबसे बड़ी मोहब्बत यह है कि अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करे एक होता है कि बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो बंदे की तरफ से जो अल्लाह की तरफ जाता है वो तो ये है कि उसके दिल में सबसे ज्यादा अपने मालिक से मोहब्बत हो लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि एक बंदे से अल्लाह मोहब्बत करें और ये कोई नहीं कह सकता है दावे के साथ कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है क्योंकि तो बड़ी बात ये नहीं कि हम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं बड़ी बात यह है कि मालिक रब्बुलमीन बादशाहों का बादशाह किसी से मोहब्बत करे क्योंकि अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा उसको जहन्नम में कभी नहीं डालेगा मुस्नद अहमद की एक हदीस है हजरत अनस इबन मालिक रजी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ कहीं रास्ते में जा रहे थे और रास्ते पर एक बच्चा छोटा सा बच्चा खेल रहा था छोटा सा था रास्ते पर था तो अल्लाह के नबी वसल्लम और साहबा जा रहे थे तो उस बच्चे की माँ ने देखा कि पूरी कौम उधर से आ रही है कहीं गफलत ने बच्चे को कुचल ना दे जल्दी जल्दी दौड़ी और दौड़ के उसको उठा लिया और कहा इबनी इबनी मेरा बेटा मेरा बेटा साहबा ने देखा हज़रतान सिबन मालिक फ़रमाते हैं कि लोगों ने कहा के रसूल इतनी मोहब्बत है कभी यह औरत अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती है अल्लाह के रसूल सल्लम फ़रमाते हैं ला हबीब हबीबहू फिन्नार ना ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है और ना अल्लाह अपने हबीब को आग में डाल सकता है हबीब जिससे अल्लाह मोहब्बत करता तो अल्लाह जिससे मोहब्बत करने लगे अल्लाह उसको कभी आग में नहीं डालेगा तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करें तो उसकी क्या इलामत हैं कैसे यह मालूम चले कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है बहुत सारे अमाल कुरान में अदीस में बताए गए हैं कि बंदा अगर उनको अपनाता है या वो चीज़ें अपने अंदर पाता है वो सिफ़ात वो क्वालिटी अपने अंदर पाता है तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद रख सकता है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है क्योंकि वो खूबियाँ वो क्वालिटी वो अमाल पर अल्लाह की तरफ से या नबी की तरफ़ से अल्लाह की महब्बत का ऐलान है तो जाहिर है कि जिस अमल पर जिस सिफत पर अल्लाह की मोहब्बत मिलने का ऐलान नबी करें तो वह अगर सिफत बंदा अपनाता है तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल उम्मीद कर सकता है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो कुछ बातें हम देखेंगे इख्तसार के साथ पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला किसी बंदे को ईमान और दीन को लाजिम पकड़ने की तौफीक दे दे हर हाल में ईमान पर जमे रहने की तौफीक दे दे ईमान को लाजिम पकड़े रहे कुफर से उसको नफरत हो कुफ्र के हर काम से उसको नफरत हो जाए ईमान उसके दिल में सबसे महबूब चीज बन जाए यह अगर कोई आदमी अपने नफ्स में पाता है अपने दिल में पाता है कि ईमान उसके दिल में सबसे कीमती दौलत बन जाए वो ईमान को कभी खतरे में नहीं डाल सकता है चाहे कुछ भी हो जाए और वो उसको लाजम पकड़ने वाला हो ये भी अल्लाह ताला की मोहब्बत की एक दलील है अल्लाह के नबी नबीस फ़रमाते हैं और ये तबरानी और अदबुल अदबुलमफ़रत की रिवायत है इन अल्लाह तोतिलहब व मब अल्लाह ताल उसे भी देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और उसे भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं करता है विलमान ला मनुहब और अल्लाह ताला ईमान सिर्फ उसे देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है तो ईमान की दौलत ईमान मिलना ये बहुत कीमती दौलत है अगर एक इंसान को ये चीज़ नसीब हो तो बहुत शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि दुनिया में माल की कसरत या अल्लाह की मोहब्बत की दलील नहीं है लेकिन ईमान अगर मिलता है एक आदमी अपने नफ्स में अगर पाता है कि उसको दीन से बड़ी मोहब्बत है ईमान से मोहब्बत है ईमान वालों से मोहब्बत करता है दीनी मजलिसों में उसके हाजिर होने का शौक़ होता है एक तरह से लगाव उसका दिन ब दिन बढ़ता चला जाए तो उस आदमी को ये दिल में उम्मीद रखना चाहिए कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत कर रहा है क्योंकि तो वो दिन ब दिन दीन के करीब होता चला जा रहा है उसको पकड़ रहा है लाजिम पकड़ रहा है तो ये भी अल्लाह के मोहब्बत की दलील है ईमान और दीन को लाजिम पकड़ना और अगर हम हाँ अपने दिल में पाते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ऐसे ही एक दूसरी चीज़ ये है जो अल्लाह ताला की मोहब्बत की एक अलामत है कि अल्लाह ताला दुनिया में किसी बंदे को दुनिया के फितनों से बचा ले महफूज कर दे दुनिया के बहुत सारे फितने हैं अल्लाह अगर किसी बंदे को फितनों से ख़ास तौर पर शहवात का फितना ये वो फितना है जो सबसे ज्यादा इंसान का दीन और ईमान बिगाड़ता है शहवात का फितना बहुत सारे फितने हैं शहवात का फितना शुबाद का फितना दुनिया की रंगीनी दुनिया की मुसीबत सब फितने हैं। अल्लाह ताला अगर किसी बंदे को फितनों से बचा लेता है तो ये भी अल्लाह ताला के मोहब्बत की दलील है और अल्लाह के नबी सर फरमाते हैं कि इन सईदा लमन जुन फितन तीन बार आपने कहा नेक बख्त है वो बंदा जिसको अल्लाह फितने से बचा ले फितनों से बचा ले तीन बार आपने कहा जिसको अल्लाह ताला बचा ले फितनों से दुनिया के फितनों से वो नेक बख्त इंसान है तो अगर अल्लाह ताला हम में से किसी बंदे को दुनिया के बहुत सारे फितने वालमान का खास तौर पे शहवाद का फितना कितना मतलब शहवत का फितना जो है कितना आम होता है कि इंसान के भटकने का कितना बड़ा इम्कान होता है कि भटक जाए एकदम उसके सामने रास्ता खुला होता है नफ्स अलग बहकाता है शैतान अलग बहकाता है और सारी रंगीनियाँ उसके सामने खुली हुई हैं और अल्लाह ताला उसको बचा ले और बच जाए तो ये गोया कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है वरना इंसान बच नहीं पाएगा इसलिए एक हदीस में आप फरमाते हैं इन अल्लाह अज़्ज़ा व अल्लाहन फित दुनिया अल्लाह तला अपने मोमिन बंदे को दुनिया में बचाता रहता है उसकी हिफाजत करता रहता है क्यों क्योंकि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है इसीलिए अल्लाह उसको बचाता रहता है बहुत सारी जगहों से अल्लाह उसको बचा बचा के निकालता रहता है फितने में वो पढ़ नहीं पाता है अल्लाह उसको बचा लेता है नबी फरमाते हैं कमा तहमुन मरीज अत्याम व शराब जैसे तुम दुनिया में अपने मरीज़ को एक बीमार को खाने और पीने की चीज़ों से बचाते हो डॉक्टर ने मना किया ये नहीं खिलाना ये नहीं पिलाना तो जैसे तुम अपने मरीज़ को खाने पीने की चीज़ों से बचाते रहते हो कहीं बीमारी बढ़ ना जाए ऐसे अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे को बचाता रहता है तो इस हदीस से एक बात मा ने बताई कि अगर किसी बंदे को अल्लाह ताला दुनिया के फितनों से बचा ले तो ये बहुत बड़ी आलामत होती है अल्लाह ताला के मोहब्बत करने की और ख़ास तौर पे शहवात का फितना इसको मैं ख़ास तौर परमा ने जिक्र किया क्योंकि शहवात के फितना में पढ़ के इंसान अपने दीन और ईमान को बिगाड़ता है तो इसलिए एक बंदा अगर देख रहा है कि मेरे दिल में जो है दिन ब दिन ये चीज़ें मतलब अल्लाह से मुहब्बत आमा ने कहा कि जब अल्लाह ताला किसी को फितने से बचाता है तो ख़ास तौर पे दुनिया की जो हिरस और लालच वो ख़त्म हो जाती है आखिरत की मोहब्बत अल्लाह दिल में डाल देता है वो आखिरत की तरफ़ ज़्यादा लपकने लगे क्योंकि दुनिया फितना है इस एतबार से फितना के सारे फितने यहीं पर हैं तो दुनिया की हिरस अगर उसके दिल में आखिरत की मोहब्बत पर गालिब आ गई फितने में पड़ गया बंदा कि फितना अगर दिल में दुनिया की मोहब्बत गालिब आ गई पहले नंबर पे आ गई आखिरत सेकंड नंबर पे आ गई फितने में पड़ गया तो अल्लाह ताला कि जब किसी बंदे को फितने से बचाता है तो आखिरत की महब्बत उसके दिल में हर एक चीज़ से ज़्यादा हो जाती है दुनिया और सारी चीज़ें तो ये भी अल्लाह ताला के मोहब्बत की दलील है अल्लाह फितनों से बचा ले बहुत सारे फितने ये फितना बहुत अहम है शहबाद का फितना ऐसे ही नंबर तीन तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला के मोहब्बत की एक दलील ये भी है कि अल्लाह ताला किसी के अंदर या किसी के दिल में अल्लाह ताला शफकत रहमत नरमी डाल दे यह भी अल्लाह ताला के मोहब्बत की दलील है देखिए अल्लाह ताला शफ़ीक है रहीम है और अल्लाह अल्लाह ताला बंदों पर रहम करता है और अगर वही रहमत की सिफत या रहमत वाली जो चीज़ है अल्लाह किसी बंदे के अंदर बंदों के अतबार से अगर अल्लाह ताला रहमत शफ़क़त मेहरबानी नरमी डाल देता है तो गया अल्लाह ताला इस बंदे से मोहब्बत करता है अल्लाह के नबी नबीसम की, की हदीस है इन अल्लाह अहललबई थी अद खला ही मुरफ़ बेशक अल्लाह ताला जब किसी घर वालों से मोहब्बत करता है किसी फैमिली से अल्लाह जब मोहब्बत करता है अहलबई तिन आपने कहा किसी घर वालों से जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो उनके अंदर अल्लाह ताला नरमी डाल देता है घर के सब लोग नरम हो जाते हैं बाप भी नरम है बेटा भी नरम है बीवी भी, भी नरम है बच्चे भी नरम है नरम मिजाज पूरे घर में एक नरमी का माहौल होता है सख्ती नहीं कोई चिल्लाना नहीं चीखना नहीं नरमी का माहौल तो अल्लाह जब किसी घर वालों से मोहब्बत करता है तो उनके अंदर नरमी डाल देता है पूरे घर वालों पर अल्लाह नरमी उतार देता है तो अगर कोई इंसान अपने अंदर पाता है और वह नरम मिजाज है नरमी उसके अंदर है तो ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील है क्योंकि अल्लाह इसे पसंद करता है नरमी बहुत बड़ी जीनत है बहुत बड़ी खूबसूरती है रिफ्त तो ये नरमी है और एक हदीस में सही बुखारी की हदीस में आप फरमाते हैं इन अलाबरफ का फिल अमरी कुल ही अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है मोहब्बत करता है अल्लाह नरमी से हर मामले में सारे मामले में अल्लाह नरमी चाहता है पसंद करता है चाहे आदमी घर के अंदर हो घर के बाहर हो दीन का मामला हो दुनिया का मामला हो लोगों के बीच में है दुकान पे कहीं भी है हर मामले में अल्लाह को नरमी पसंद है ख़ास तौर पर घर में भी हो क्योंकि तो आदमी कभी कभी बाहर नरम होता है घर में आने के बाद सख्त होता है असल टेस्ट तो घर में है कि आदमी घर में कैसा है बीवी के साथ कैसा है बच्चों के साथ कैसा है यह असल टेस्ट है कि कितना नरम है वो तो ये नरमी अल्लाह ताला किसी बंदे के अंदर नरमी डाल दे ये भी अल्लाह ताला के मोहब्बत की पहचान इसलिए हमें अपने आप को चेक करना चाहिए हम नरम हैं या सख्त हैं सख्ती अल्लाह को पसंद नहीं है नरमी अल्लाह को पसंद है इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में नबी की तारीफ़ किया है अरे नबी अल्लाह की रहमत है अल्लाह का फजल है कि आप लोगों के लिए नरम दिल और नरम ज़बान है अगर आप ऐसा नहीं होते तो आपके पास बैठने वाले सहाबा भाग जाते कोई आपके पास नहीं बैठता इससे मालूम होता है कि जो इंसान की ज़बान और दिल सख्त होता है तो उससे अपने भी पराय हो जाते हैं लोग उसको पसंद नहीं करते हैं उसके करीब लोग नहीं आते हैं सख्त मिजाज जो आदमी होता है बीवी बच्चे उसको पसंद नहीं करते हैं घर चल ठीक है रहती है बीवी बच्चे रहते हैं घर में लेकिन पसंद दिल से नहीं करते हैं तो ये जब जाहिर बात है जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है कि सख्ती तो ये भी अल्लाह ताला के मोहब्बत की दलील अल्लाह ताला किसी के अंदर नरमी शफकत रहमत डाल दे कि वो बंदों पर लोगों पर रहीम हो रहम करने वाला हो सख्त मिजाज ना हो ऐसी चौथी चीज यह है कि अल्लाह ताला के मोहब्बत की एक पहचान एक अलामत यह भी है कि अल्लाह ताला किसी बंदे को दुनिया में आजमाइश में डाले दुनिया में किसी छोटी आजमाइश बड़ी आजमाइश किसी भी आजमाइश में डाले और उस बंदे को अल्लाह ताला सब्र की तौफीक दे दे यह भी अल्लाह के मोहब्बत की दलील है इसको याद रखिए खास तौर पे कि अल्लाह ताला दुनिया में आजमाइश में डाले और वो बंदा सब्र के साथ दीन पर जमा रहे दीन से फिरे नहीं ये दलील है कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है वरना कितने लोग होते हैं जो आम तौर पे आजमाइशों में बिखर जाते हैं टूट जाते हैं और अल्लाह ताला का यही तो इम्तिहान होता है कि वाकई ये बंदा मेरा है या बस सिर्फ ऐसे ही बंदा बना हुआ है दुनिया की वजह से बंदा बना हुआ है तो अल्लाह ताला अगर किसी बंदे को मुसीबत में आजमाइश में सब्र की तौफीक दे दे दीन पर जमे रहने की तौफीक दे दे ये अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है क्योंकि तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तिरमिजी इब्ने माजा की रिवायत है इन इज़मल जजा मा इजमल बला बड़ा बदला बड़ी आजमाइश के साथ है अल्लाह के यहाँ बड़ा बदला चाहिए तो दुनिया की बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ेगा और आप आगे फरमाते हैं वह इन अला जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उस कौम को अल्लाह मुबतला कर देता है मतलब आजमाइश में डाल देता है कोई ना कोई मुसीबत परेशानी दुनिया में लगी रहती है हादिस के अल्फाज क्या जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो ऐसा करता है कि उन्हें आजमाइश में डाल देता है फमन रजिया फलाहू तो जो आजमाइश में अल्लाह से राजी रहा फलाह रिजा तो अल्लाह भी उससे राजी रहा अल्लाह की रजा उसको मिल गई वो अमन सख्ता था सख्त और जो अल्लाह से नाराज रहा या नाराज हो गया अल्लाह उससे नाराज कितने लोग होते हैं आप देखिए मुसीबत आई तो पूरी नाराजगी और गुस्सा दीन पे उतारते हैं मैं इतना नमाज पढ़ता हूँ इतनी दुआएं पढ़ता हूँ सुबह शाम के अस्कार पढ़ता हूँ और सब कुछ करता हूँ दीनदारी मतलब सारे दीन के काम करता हूँ फिर आजमाइश क्यों कुछ नहीं होता है नमाज नमाज से कितने लोग ऐसा गुस्सा दीन पर उतारते हैं और अल्लाह से बदजन हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के जहन में क्या होता है ना कि हम जो इबादत कर रहे हैं ना वो इबादत इसलिए करना चाहिए ताकि दुनिया में मुसीबत ना आए आजमाइश ना आए सुबह शाम के अजकार इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आजमाइश या मुसीबत परेशानी ना आए देखिए अजकार इबादत जितनी हम नमाजें हैं ये सब अल्लाह की इबादत है कुरान पढ़ना अल्लाह की इबादत है जिक्र करना अल्लाह की इबादत है नमाज अल्लाह की इबादत है तो ये सब इबादत है तो इबादत अलग चीज़ है आजमाइश एक अलग चीज़ है इबादत ये बंदगी है ये मौत तक करना है ये हमारी ड्यूटी है इबादत बंदे की ड्यूटी है वो करना है उसको मौत तक वह अब यकीन रब की इबादत कर यहां तक की मौत आ जाए तो ये हुक्म है ये करना है हर हाल में आजमाइश का ताल्लुक इबादत से नहीं है वो इंसान की तकदीर और उसके मुकद्दर से है वो लिखा होगा तो आएगी नहीं लिखा होगा तो नहीं आएगी उसका ताल्लुक इबादत से नहीं है कि मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो नहीं आएगी सुबह शाम अस्कार पढ़ूंगा तो मुसीबत नहीं आएगी वो अलग चीज है कि अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए बहुत सारी चीजें बताई कि बंदा करता लेकिन अगर तकदीर में लिखा है तो आएगी इबादत हमको करना है मौत तक और आजमाइश लिखी होगी तो आएगी और आजमाइश आ जाए तब भी वो अमल करते रहना है मौत तक क्योंकि आजमाइश आने से वो स्टॉप नहीं करना है इबादत को स्टॉप नहीं करना है यही तो अल्लाह देखना चाहता है यही तो मोहब्बत की पहचान है अल्लाह ताला मोहब्बत कर रहा है कि उसके ऊपर आजमाइश आए अपनी बंदगी को रोके नहीं जो बंदगी चालू है कर रहा है वो बंदगी रुकनी नहीं चाहिए तो अल्लाह ताला अगर किसी बंदे को इसको लाजिम पकड़े रहने और सब्र करने की तोफीक दे तो ये बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह उसे पसंद करता है जो राजी रहा अल्लाह उससे राजी राजी रहा मतलब मुसीबत आई अल्लाह तोने लिखा था ठीक है आदमी उससे निकलने के असबाब ढूंढे अल्लाह से दुआएं करे इलाज ढूंढे सारी चीजें लेकिन अल्लाह से बदजन ना हो अल्लाह तो क्या कर दिया कितनी औरतें अल्लाह तुझको मेरा ही घर मिला था छोटा बच्चा बीमार हो गया इस बच्चे का क्या गुनाह था क्या किया इस बच्चे ने अल्लाह तो इस बच्चे ने क्या किया अरे उस बच्चे को अल्लाह ताला मुसीबत में डाल के माँ बाप को आज़माता है आजमाइश माँ बाप की है उसकी नहीं है आजमाइश मां बाप की है तो यह बहुत अहम चीज होती है कि अल्लाह के बारे में कोई गलत जुमला ना निकले कि अल्लाह नाराज हो जाए तो हदीस के अल्फाज क्या हैं कि अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसको आजमाता है जो राजी रहा अल्लाह उससे राजी जो नाराज हुआ अल्लाह उससे नाराज इसलिए आजमाइश कभी सेहत बीमारी का मसला होता है बीमारी अल्लाह दे देता है सेहत दे के भी आजमाता है किसी को अल्लाह ने सेहत दिया कोई बीमारी नहीं है यह भी आजमाइश है कि वो सेहत को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और उस सेहत को अल्लाह की बंदगी में खर्च करता है लगाता, कि लगाता है कि नहीं लगाते ये भी आजमाइश है और इसी तरह से माल भी आजमाइश है फ़कीरी भी आजमाइश है हर तरह की सारी आजमाइशें हैं हाँ माल भी आजमाइश तो सब चीज़ें अल्लाह तला दे के आजमाता है इसलिए आप देखिए वो जो कुरान की आयत है बहुत मशहूर आयत वल नबुलकुम्बई मिनल ख़ौफ़ वल जुड़ व नक्स मिन वनफुस वात व बब शरी साबरन ये देखिए व बस शरी साबरीन सारी अल्लाह ताली ने मुसीबतें गई सारी आजमाइश गिनाई एक लाइन से हम तुमको ऐसा ऐसा करेंगे भोले नबुल मिनल खौफ तुमको हम खौफ दे के आज़माएंगे खौफ के हालात तुम्हारे ऊपर आएंगे डर के हालात डर कभी दुश्मन का होगा कभी किसी और का होगा कभी हुकूमत का होगा कभी किसी और का डर डर लगा रहेगा खौफ के हालात तुम्हारे ऊपर आएंगे ये अल्लाह की आजमाइश है जैसा मदीने के अंदर था मदीने के अंदर आप देखिए कितनी आज डर लगा पहरेदारी होती थी पूरे मदीने की साहबा रात में पहरेदारी करते थे कब दुश्मन का हमला हो जाए ना हो जाए तो खौफ के हालात तुम्हारे ऊपर आएंगे वाल जो भूख के हालात तुम्हारे ऊपर हम डालेंगे तंगी तंगी फकीरी फकीरी के खाने के वादे हो जाएंगे भूख के हालात हम ला के तुमको आजमाएंगे भूख का मतलब ये नहीं कि भूख लगी है और जेब में पैसा है कभी जाए खा सकते हैं लेकिन नहीं जा रहा हूं कि काम कर रहा हूं भूख लगी है बहुत तेज वह भूख का मतलब नहीं है भूख का मतलब यह है कि आदमी पर अल्लाह ऐसे हालात ले आएगी खाने के वादे हो जाए उसको तो हम तुमको भूख के हालात दे के आजमाएंगे बोल जो रनक से माल माल में कमी करके आजमाएंगे माल कम कर देंगे हम कैसे भी माल कम हो हा? माल कम हो जाएगा बीमारी आई माल खत्म हो गया चोरी हो गया माल कम हो गया ऐसी बीमारी आ गई कि बीवी का जेवर बेचना पड़ा माल से घर से निकल गया कम हो किसी भी सूरत में माल कम हो जाएगा हम माल में कमी करके आजमाएंगे बोले अनफ जान लेके भी आजमाएंगे जान लेके भी आजमाएंगे एक की मौत दूसरे के लिए आजमाइश बीवी की मौत शौहर के लिए आजमाइश बच्चों को कौन संभालेगा कौन देखेगा बच्चों को शौहर की वफात बीवी के लिए आजमाइश बेटे की वफात माँ बाप के लिए आजमाइश एक ही बेटा जवान अट्ठाक बिल्कुल माँ बाप का सहारा बनने वाला था अल्लाह ने ले लिया आजमाइश और समरात फलों में कमी करके आजमा नतीजे में कमी कर देंगे नतीजा कम हो जाएगा रिजल्ट नहीं निकलेगा मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं कई जगह इन्वेस्ट कर रहा है प्रॉफिट नहीं लॉस लॉस जा रहा है नतीजा नहीं निकलेगा दस जगह इंटरव्यू दिया कहीं पास नहीं हो रहा है नतीजे में कमी आ जाएगी आप खुशखबरी सुना दीजिए किसको जिनके ऊपर दुनिया में आजमाइश आती है उनको नहीं जिनके ऊपर आजमाइश आती है उनको खुशखबरी नहीं है आजमाइश आने पर खुशखबरी नहीं है खुशखबरी आजमाइश आने के बाद उस आजमाइश में टिकने वाले जमने वालों के लिए खुशखबरी है नबी आप खुशखबरी सब्र करने वालों को सुना दें तो इसको याद रखिए कि अल्लाह ताला अगर दुनिया में आजमाइश में डाले और फिर उस आजमाइश में अल्लाह से राजी रहने की अल्लाह तौफीक दे दे और सब्र की तौफीक दे दे दिल में अल्लाह की शिकायत ना आए दिल में दीन पर गुस्सा ना आए दिल में जरा भी अल्लाह से अल्लाह तू मेरा मालिक है इसलिए क्या कहा गया अल्लादीन आसाबत मुसीबू इन्ना ला ये मोमिन का जुमला है कितना बड़ा जुमला है कि जब मुसीबत कुछ आती है तो उनकी जबान से क्या निकलता है कितनी बड़ी मुसीबत आई छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत क्या जबान से निकलता है इन्ना ला वाजा कोई वावे नहीं कोई शिकायत नहीं चीख पुकार नहीं उसको डांटना नहीं उसको नहीं तेरी वजह से हुआ फला इन्ना लाज मतलब हम अल्लाह के हैं हम अल्लाह के हैं और एक दिन पलट के उसी के पास जाना है मतलब हम हम अल्लाह के हैं तो हम अल्लाह के हमारी जिंदगी में अल्लाह जो फैसला करे हम राजी हैं उसका मतलब यही है इसको हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझते कम है का मतलब होता है हम अल्लाह के हैं जैसे हमारा घर है हम अपने घर में उसको तोड़ें फोड़ें कैसा भी बनाएं कोई बोलने वाला नहीं क्योंकि वह हमारा है तो हम अपने मालिक अपनी चीज के होते हैं ऐसे हम किसके हैं अल्लाह के हैं तो अल्लाह हमारी जिंदगी इन्ना सलाती वी वो, वो महिया तो मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए तो जिंदगी उसकी है तो हमारी जिंदगी में जो फैसला करें हम राजी हैं इन्ना लिल्लाह का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह के हैं वह हमारी जिंदगी में जो फैसला करें हम राजी हैं और एक दिन उसी के पास जाना है तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला किसी बंदे को आजमाइश में जमे रहने की तोफीक दे दे सब्र की तोफीक दे दे तो यह भी अल्लाह ताला के मोहब्बत की एक दलील है कि अल्लाह मोहब्बत करता है ऐसे ही एक पहचान यह भी है अल्लाह के मोहब्बत की किसी बंदे को अल्लाह ताला दुनिया में उसके गुनाहों की जल्दी सजा दे दे किसी से कोई गलती हुई किसी से कोई गुनाह हुआ उसने गुनाह किया गलती किया और अल्लाह फौरन उसको सजा दे दे किसी ना किसी सूरत में कोई भी शक्ल में अल्लाह उसको सजा दे सकता है तो ये भी अल्लाह ताला की मोहब्बत की पहचान है अल्लाह उसको आखिरत में बचाना चाहता है उसको यहीं साफ करना चाहता है अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं बहुत अहम हदीस है इज़ा किसी बंदे के बारे में अल्लाह भलाई चाहता है उसके बारे में अल्लाह खैर चाहता है तो उसके गुनाह की अल्लाह जल्दी सजा दे देता है उसने कोई गलती किया दुनिया ही में सजा मिली कोई ना कोई शक्ल में अल्लाह उसके ऊपर मुसीबत या आजमाइश डाल के उसको साफ कर दिया और आ फरमाते हैं वह ईदा आरद अभी आप दि और जब अल्लाह तला किसी बंदे के साथ शर का फैसला करता है तो अम ही बेदम भी तो गुनाहों के बावजूद उसे रोक के रखता है वो गुनाह कर रहा है मासीत कर रहा है लेकिन अल्लाह तला कुछ नहीं कर रहा है उसको चलने तो पूरा पूरा तो दुनिया में कभी मुसीबत आए ना तो बंदे की सोच बहुत ऊंची होनी चाहिए कि मेरे ऊपर कोई आजमाइश आई हो सकता मेरे किसी गुना का नतीजा तो अल्लाह से तोबा भी करना चाहिए और अल्लाह तला के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ये मुसीबत दिया है तो हो सकता है कि किसी मेरे गुनाह को साफ करने के लिए देखिए अल्लाह ताला बंदे पे तलाम नहीं करता है जर्रा बराबर बंदे पे अल्लाह जुल्लम नहीं करता है और कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो तुमको दुनिया के अंदर मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे हाथों की करतूत हैं तो कितने सारे बंदा कुछ ना कुछ करता रहता है बात कितने सारे गुनाह है कितने सारी वो कौन सी चीज नाराजगी वाली कर दिया है लेकिन अल्लाह ताला बंदे को चाहता है मोहब्बत करता है उससे तो क्या करता है अब अगर अल्लाह तला उसको सजा नहीं देगा और तौबा भी नहीं किया उसने तो क्या होगा वो गुना जमा रहेगा तो अगर उसको सजा मिल जाती है तो साफ हो गया साफ हो गया मतलब अब क्यामत के दिन उसकी सजा नहीं मिलेगी तो ये भी अल्लाह ताला का अच्छा फैसला होता है बंदे के लिए तो अगर कभी ऐसा हो जाए ना तो हमारी सोच थोड़ा ऊंची होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे साथ अच्छा मामला कर रहा है क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को गुनाहों के बावजूद रोक के रखता है तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं जब तुम देखो किसी बंदे को कि अल्लाह ताला मासीत के बावजूद उसको बहुत दे रहा है दे रहा है दे रहा दुनिया बहुत दे रहा है तो ये समझो कि अल्लाह ताला उसको ढील दे रहा है ढील दे रहा है और कुरान की आयत जो अल्लाह के नबी ने पढ़ी फलमा नसूमा दुख की रोबी ही जब लोगों ने अल्लाह की नसीहत को भुला दिया तो अल्लाह ने उनके ऊपर सारी नेमतों के दरवाजे खोल दिए अल्लाह ने पिछली कौमों का जिक्र किया कुरान में कि पिछली कौमें जब अल्लाह की नसीहतों को भुला दिया नबियों की नसीहतों को भुलाने लगी तो अल्लाह ने क्या किया यह नहीं कि पकड़ा पहले उनके ऊपर नियमतों के दरवाजे खोल दिए और जब वो खूब ज्यादा मगन हो गए तब अल्लाह ने उनको अचानक पकड़ लिया तो यह कि अल्लाह ताला मासीत गुनाहों के बावजूद अगर फलने फूलने का मौका दे रहा है तो क्या समझना चाहिए कि अल्लाह ढील दे रहा है लेकिन अगर किसी बंदे को सजा मिल जाती है फौरन तो अल्लाह ताला गुजरा कि इस बंदे के साथ अच्छा फ़ैसला किया है बंदे को राज़ी रहना चाहिए ऐसे एक चीज़ और है कि अल्लाह ताला किसी बंदे को लोगों की खिदमत करने और उनकी परेशानियों में उनकी मदद करने की तौफीक दे दें यह भी अल्लाह की मोहब्बत की दलील है अल्लाह ताला दुनिया में किसी बंदे के अंदर ये बात पैदा कर दे कि वो लोगों के काम आता है लोगों का हेल्प करता है लोगों की मदद में आगे रहता है और उनके काम आता है ये भी अल्लाह की मोहब्बत की दलील है बहुत बड़ी बात है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया कहा अल्लाह के रसूल अयनास अहब्बल्ला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब कौन है आपने कहा अहबान्नासलाफ़रम्नास लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह की नगाह में वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ाब्श्शो हम सबको अपने आप को चेक करना चाहिए हमारी कीमत हमारी वैल्यू कब है हम ख़ुद अपने आप को चेक करें कि हमारी कीमत अल्लाह की निगाह में कीमती तब है कि हम लोगों के लिए कितना मुफीद है हम लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं यह हमारी कीमत तय करती है आज मामला यह है कि एक आदमी लोगों की निगाह के अंदर महबूब बनना चाहता है वो बहुत पैसे वाला है तो उसकी निगाह में मेरी इज़्ज़त हो जाए मैं उसका महबूब बन जाऊँ वो मेरा महबूब बन जाए हाँ उसका नंबर मेरे पास मेरा नंबर उसके पास आज घटिया मखलूक के दिलों में जगह बनाने के लिए आदमी क्या, क्या क्या करता है हाँ झूठ साफ साफ लेकिन अल्लाह के नज़दीक महबूब बन जाए अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए इसके लिए बंदा क्या करता है आप देखिए हालांकि ये होना चाहिए कि बादशाह हमसे राजी हो जाए हाँ बादशाह ये फ़कीरों को राज़ी करके क्या करेगा अल्लाह को राज़ी कर ले सब तो अल्लाह की रजा अल्लाह की मोहब्बत उस बंदे को मिलती है जो बंदा दुनिया में लोगों की ज्यादा से ज्यादा उनको नफा पहुंचा अपनी जात से हम जब भी सुबह उठें तो यह देखें कि आज मैं किसको नफा पहुंचा सकता हूं फायदा पहुंचा सकता। अपनी जात से किसको फायदा पहुंचा सकता हूँ आज मिजाज यह बन गया है कि मेरा फायदा क्या है मैं कितना लोगों को चीट करके धोखा देके अपना फायदा कर लूं हर मामले में बंदा अपना फायदा सोचता है इतनी खुदगर्जी हो गई है यह हो गया कि मेरा फायदा कितना है इसमें यहां तक कि कोई दीन का भी काम करता है तो पहले अपना फायदा सोचता। इसमें मेरा क्या है इसमें मेरा क्या है मुझे क्या मिलेगा तो यह मामला है तो नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की निगाह में महबूब हुआ है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा नफा बख्श हो इसलिए यह मोमिन की मेंटालिटी यह मोमिन की मेंटालिटी बनना चाहिए जहनीयत बनना चाहिए कि मैं अपनी जात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा जब भी हम किसी मजलिस में बैठे ना तो हमारी मिजाज में देने वाला बनना चाहिए लेने वाला नहीं बनना चाहिए जहन में आप बना लेना जहन पूरा ओपन हो जाएगा एकदम साफ हो जाएगा दिल तंग क्यों होता है पता है हमारे जहनों में इतनी तंगी है क्योंकि हिरस, लालच हसद इतना भरा हुआ है ना कि तंग हो गया है आप बना लें कि मुझे देना है बस एकदम साफ जहन तो ये होना चाहिए हाँ ये बात याद रखें कि किसी की मदद या देने के बाद या फायदा पहुंचाने के बाद उसको बताएं नहीं फेसबुक पे ना डालें व्हाट्सएप पे ना डालें ये ज़्यादा जरूरी है और ना आदमी लोगों की खिदमत करता है तो सबको बताता है हर दिन हमारी कोई ना कोई ऐसी नेकी रहनी चाहिए जो मेरे और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है हमारी बीवी बच्चे दोस्त अहबाब कोई नहीं जानता है क्या ऐसी हमारी नेकियां हैं वाकई बचा के रखें हम हर दिन ऐसी नेकी हम करें कुछ ना कुछ थोड़ा ज्यादा कि अल्लाह और मेरे बीच में कोई नहीं जानता उसको या जिसके साथ किया था ठीक है और कोई नहीं जानता है तो ऐसा होना चाहिए तो हम नेकियां लोगों को फायदा पहुंचाएं लोगों को देने वाले बने इम है तो इल्म देने वाले बने किसी का बोझ उठाने वाले उठा दें किसी को रास्ते में आपने उनको वहाँ तक पहुँचा दिया जो भी आपके पास है अपनी सलाहियत से अपने माल से अपने इल्म से अपनी ताकत से अपनी मतलब हर चीज़ किसी को फ़ायदा पहुँचाने वाले बने तो ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और ये बंदा अल्लाह ताली का महबूब बंदा बन जाता है ऐसे ही किसी बंदे को अल्लाह ताली हसन अखलात की तोफीक दे दें ये बहुत बड़ी चीज़ है ये भी अल्लाह के मोहब्बत की दलील है उसामा इबन शरीक कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए थे इतना चुपचाप बैठे थे कि मतलब कोई बात नहीं कर रहा था सब नबी की मंजिल में बैठे हुए थे कुछ लोग आए कहा अल्लाह के रसूल मन अहब इबाद अल्लाह अल्लाह के बंदों में अल्लाह के नजदीक महबूब कौन है तो आपने कहा अहसनहुम अहन अहसनहुम खुल अल्लाह की निगाह में अल्लाह के बंदों में महबूब वो है जो लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छा अखलाक वाला हो अच्छा अखलाक हमारा तरीका लोगों के साथ बातचीत का उठने बैठ अच्छा अखलाक हो मिलने जुलने में आज देखिए अखलाक में भी कितना खुद गर्जी मिल गई है आदमी उसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता है कि जो इसके साथ अच्छे अखलाक से रहता है ये हो गया कि वो अगर मेरे साथ अच्छा रहेगा तो मैं उसके साथ अच्छा रहूँगा वह अगर बुरा करेगा मैं बुरा करूँगा ये सब अखलाक वाले हम बने किसी की वजह रिएक्शनिस्ट ना बने कि वो अच्छा तो मैं अच्छा वो बुरा तो मैं बुरा ऐसा नहीं चाहे आदमी अच्छा हो और चाहे बुरा हो हम अपने अखलाक को किसी को देख करके चेंज ना करें हम अखलाक वाले बने और अल्लाह के लिए बने अल्लाह के लिए बने किसी को देख करके नहीं एक आदमी अगर मेरे साथ अच्छा कर रहा है तब भी मैं अच्छा करूंगा मेरे अच्छा साथ अच्छा गलत कर रहा है तब भी मैं अच्छा करूंगा क्यों मुझे किसी को देख के नहीं करना अल्लाह की वजह से अल्लाह के लिए तो अखलाक वाला बने खासतौर पर अपने घर में भी बीवी बच्चे दोस्त अहबाब हर जगह अच्छा अखलाक हो ऐसे ही जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत की एक दलील ये भी है जो ये बहुत अहम है लेकिन मैं आखिर में इसको जिक्र कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला किसी बंदे को सुन्नत की इतबा इसकी पाबंदी इसको लाजिम पकड़ने की तोफ़ी दे दे सुन्नत की इतबा हर मामले में वो देखता हो वो समाज का पाबंद ना हो बड़े बाप दादा का पाबंद ना हो समाज में इतने साल से चल रहा नहीं वो सुन्नत की इतबा का पाबंद हो नबी की सुन्नत हर मामले में वो देखता है कि मेरे नबी ने किया है कि नहीं चाहे वो शादी ब्याह का मसला हो घर का कोई मसला हो या मतलब कुछ भी काम हो हर चीज में वो देखता है मेरे नबी की सुन्नत क्या है लोग नाराज हो चलेगा लेकिन नबी की सुन्नत को लाजिम पकड़ना ये भी अल्लाह की मोहब्बत पाने का जरिया है अल्लाह फरमाता है कुल तो बकुम ए नबी आप लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इतबा करो नबी की इतबा तो अल्लाह क्या करेगा दो चीज़ यू हैबीबल्ला अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा तो मतलब नबी की इतबा पर दो चीज का वादा है एक अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी दो गुनाह अल्लाह साब मिटा देगा साफ कर देगा कितनी बड़ी चीज है नबी की इतबा हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अगर हम नबी की इतबा के पाबंद है ना तो उम्मीद रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी की इतबा की बरकत से अल्लाह ताला की मोहब्बत भी मिलेगी और इन गुनाहों की भी मकफरत होगी क्योंकि नबी की इतबा गुनाहों की मक्सरत का ज़रिया है तो ये जो है ये भी बहुत अहम चीज़ है और कोई चीज़ नहीं नबी की इतबा गुनाहों की मकफरत का ज़रिया अल्लाह का वादा है इस पर ऐसे एक आखिरी बात ये कि दुनिया में हम किसी बंदे से अगर महब्बत करते हैं तो किसी बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करना ये भी अल्लाह की मोहब्बत पाने का जरिया है देखिए आज दुनिया में सारी मोहब्बतें गरज की बुनियाद पर हैं मैं उससे मोहब्बत करता हूं क्यों बहुत मालदार है उससे मोहब्बत इसलिए करता हूं कि वो सियासत में है उसका पावर है थोड़ा होल्ड है का। तो आदमी मोहब्बत कभी मोहब्बत रिश्तेदारी की बुनियाद पर होती है कभी मोहब्बत इलाकाईत की बुनियाद मेरे इलाके वाला है ये मेरे खानदान वाला है ये मेरे गांव वाला है ये मेरे अपना ये मेरे मुल्क वाला है कभी मोहब्बत मुल्क की बुनियाद पर होती है कभी गाँव की बुनियाद पर यह सारी मोहब्बतें होती हैं लेकिन अगर इन सारी मोहब्बतों में एक बड़ी मोहब्बत है कि दिल में दिल साफ़ कर दें दिल में सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद अल्लाह हो बस मैं इससे मोहब्बत करता हूँ अल्लाह की वजह से बस और कुछ नहीं अगर ये किसी बंदे के अंदर आ जाए कि एक बंदा किसी बंदे से मोहब्बत करे अल्लाह के खातिर इतनी कीमती मोहब्बत है ये कि अल्लाह ताला कयामत के दिन ऐसे बंदे को वज अल्लाह फरमाते हैं वजहत महब्बत ही अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत लाजिम हो गई वाजिब हो गई ऐसे लोगों के लिए जो दुनिया में मेरे खातिर एक दूसरे से मुहबत करते हैं जैसे मिसाल के तौर तो पे एक आदमी है मुसलमान है वो कलमा पढ़ता है जो कलमा मैं पढ़ता हूँ वही कलमा वो पढ़ता है जिस अल्लाह की इबादत मैं करता हूँ उसी अल्लाह की इबादत ये भी करता है और जो ईमान मैं रखता हूँ वही ईमान ये भी रखता है ईमान को जो मैं मानता हूँ वो ये भी मानता है बस मोहब्बत करने की बुनियाद यही है मैं इससे मोहब्बत करता हूं क्योंकि ये मेरा कलिमा शरीक भाई है जिस कलमे को मैं मानता हूं उस कलमे को ये मानता है बस ये किसी भी इलाके का रहने वाला हो काला है गोरा है कहीं का भी है इससे मेरी मोहब्बत की एक ही वजह है बस कि जिस अल्लाह की इबादत मैं करता हूं उसी अल्लाह की इबादत यह करता है बस इसको कहते हैं अल्लाह के लिए मोहब्बत करना कि सिर्फ अल्लाह है बीच में बस नेक आदमी है ठीक है इसलिए मोहब्बत करता हूं सही मुस्लिम की एक हदीस है कि एक आदमी अपने घर से निकला और एक बस्ती में जा रहा था एक आदमी से मिलने के लिए अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा कि जाकर के उस रास्ते में बैठो उसके रास्ते में बैठो इंतजार करो उसके आने का तो फरिश्ता गया इंसान की शक्ल में रहा होगा और जाकर के रास्ते में पहले से बैठा है यह आदमी जा रहा है और रास्ते में वो बंदा मिला वो आदमी मिला तो फरिश्ते ने पूछा आईना तुरीद कहाँ का इरादा है कहाँ जा रहे हो जैसे कोई भी आदमी किसी आदमी से पूछ सकता भाई आप कहां जाना चाहते हैं कोई भी अजनबी आदमी यहां मस्जिद में आ गया तो कोई आदमी पूछता भाई आप कहां रहते हो तो उसने पूछा ऐना तुरी कहां का इरादा है किधर जा रहे हो उसने कहा कि ये जो बस्ती है वो बस्ती में एक आदमी से मिलने जा रहा हूं तो उसने पूछा कि उसका कुछ एहसान वगैरह है कोई दुनियावी मामला है जिसको तुम चुकाने जा रहे हो देने जा रहे हो कुछ लेन देन का मामला है या कोई दुनियावी चीज है जिसकी वजह से तुम जा रहे हो उसको देने लेने या चुकाने का नहीं कुछ भी नहीं है उसका मेरा कोई मामला नहीं है बस सिर्फ इस वजह से जा रहा हूँ कि मैं उससे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ वो मेरा कलमा शरीफ भाई है मुसलमान है मैं उससे मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ र्ज़ ये है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं अल्लाह के लिए इसलिए मिलने जा रहा हूं बस जीारत करने जा रहा हूं मिलने जा रहा हूँ हालचाल लूंगा चलाऊंगा तो उसने कहा कि उस फरिश्ते ने कहा अल्लाह ने मुझको भेजा है तुमको ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है क्योंकि तुम उस आदमी से मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए बस ये बताने के लिए मुझे अल्लाह ने भेजा है कितनी बड़ी बात आप देखें कि अल्लाह ताला पहले ऐसा होता था कि फ़रिश्ते इंसान की शक्ल में आके इंसान से बात करते थे अल्लाह के नबीर पहले होता था ऐसा कि फरिश्ता अल्लाह भेजता था और इसे बहुत सारे वाक़ पिछले दौर के आप हदीसों में पढ़ते हैं तो होता था ऐसा तो अल्लाह ताला बशारत देने के लिए बंदे के पास फरिश्ते को भेज के अल्लाह बशारत दिला रहा है इंसान की शक्ल में और उस कह रहा है कि मैं अल्लाह की तरफ़ से आया हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम दुनिया में हमारी जो मोहब्बत हम जब किसी से मोहब्बत करें तो दिल को देखें अगर दिल में कचरा तो साफ कर दें दिल में अगर दुनिया है उसका पैसा है उसकी खानदानी रिश्तेदार दिल में मोहब्बत रखें सिर्फ अल्लाह के लिए बस बहुत कीमती इंसान बन जाएंगे और यह मोहब्बत क्यामत के दिन भी काम आएगी ऐसी मोहब्बतें जो सिर्फ अल्लाह की बुनियाद पर है वो क्यामत के दिन काम आएंगी और ना सारी मोहब्बतें क़ियामत के दिन ख़त्म हो जाएंगी कोई दोस्त किसी दोस्त को पूछे तक गा नहीं।, नहीं पूछेगा कोई किसी को पूछेगा ही नहीं इतना जिगरी दोस्त भी किसी को नहीं पूछेगा लेकिन एक दोस्ती काम आएगी कौन सी जो अल्लाह की बुनियाद पर रही दुनियावी गरज की बुनियाद पर नहीं कुछ नहीं अल्लाह की बुनियाद पर दोस्ती कायम की हुई वो अल्लाह के यहां भी काम आएगी सिफारिश का भी मौका मिल सकता है ये चंद बातें थी अल्लाह ताला हम सब लोगों को दुनिया में अपनी मोहब्बत पाने के लिए जो आमाल हैं जो चीज़ें हैं अल्लाह ताला हमें उन आमाल को करने की तोफीक अदा फरमाए अल्लाह तम सब लोगों को दुनिया में आपस में एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाला बनाए और अल्लाह ताला हम सबको हमारे दिलों से दुनियावी एतबार से जितनी गंदगियाँ हैं कचड़े हैं उन सब को साफ़ करके अल्लाह ताला हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने खातिर मोहब्बत करने की तौफीक दे आमीन तकब्ल अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला का अशादल व का वातबि